तीन बच्चों सहित कुल पांच लोगों की मौत, कई घायल। स्क्रैप गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते लगी भीषण आग, आग बुझाने का प्रयास जारी। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। लाखों के नुकसान की संभावना, स्थानीय लोग भी कर रहे हैं आग बुझाने का प्रयास। स्क्रैप कारोबारी के घर के निचले हिस्से में बने स्क्रैप गोदाम में लगी है आग। आग ऊपरी दो मंजिल तक पहुंची। कल शहीद थाना इलाके की घटना। ये घटना शॉर्ट सर्किट से हुई है। असालतपुरा पावर हाउस नंबर 15 के सामने गली में, और गली भी छोटी नहीं है, चार मंजिला मकान है। उसमें नीचे कबाड़ था, टायर से बैठ रहे थे, उसमें आग लगी शॉर्ट सर्किट से। और उसके बाद में फायर ने और थाना गलचगीर ने और असालतपुरा के लड़कों ने, जाबाज लड़कों ने उन लोगों को निकाला, सीढ़ी लगा कर आमने सामने सीढ़ी लगाई। ये जो पांच लोग, चार लोग यहाँ बच्चे हताहत हैं, तो इन लोगों को निकाला वहाँ से जैसे तैसे करके, और बाकी फायर ने पीछे के साइड से निकाला, जिसमें से एक बच्ची फौत हुई है, एक बच्ची का देहांत हुआ है। जिसे हमें, मुझे उम्मीद यही थी, क्योंकि मैंने उस बच्चे को गोद में लेकर के रखा है, मुझे उम्मीद थी कि पूरी तरह से कि बच्ची बच जाएगी, मगर अल्लाह ताला ने उसकी उम्र भी पूरी कर दी। अब एक ही परिवार के पाँच लोग गए। क्या काम होता है वो, मतलब ये सब कबाड़ का ही काम है, पूरे बच्चे बच्चे सब कबाड़ का ही काम करते हैं। इरशाद मोहम्मद इरशाद, स्वामी मोहम्मद इरशाद हैं। और अब हमने अभी दरख्वास्त की है जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय से पोस्टमार्टम की, मगर सिस्टम जो कहता है वो यही है कि भाई, और उन्होंने पूरी मदद करने की कोशिश कहा है, पूरी मदद की। कल नवासियों की शादी थी, दो नवासियों की शादी थी कल, और उसके आज मंडे का प्रोग्राम था जिसमें जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये शादी असादपुरे में ही है, हरी चौक की मस्जिद के सामने, और वहीं करीब में ही मतलब लड़के वाले हैं। हाँ देखिए, असालतपुरा में है, एक तीन मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग रहते थे, तीन सगे भाई हैं, और उस अग्निकांड के चलते पांच लोगों की अभी तक डेथ हुई है और सात लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं, अब अंदर कोई फंसा नहीं है। और इसके अलावा हम लोगों ने, हमने और SSP साहब ने और हमारे अधिकारी ने वहाँ घटनास्थल का भी निरीक्षण किया, और हॉस्पिटल भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है, कारणों के बारे में फायर ब्रिगेड अपनी जांच कर रहा है, जल्दी हम आपको विस्तृत इसकी जानकारी देंगे।